और विवादित ढांचे का जिक्र तो आप सभी ने सुना ही होगा। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या का संपूर्ण इतिहास, राम मंदिर का टूटकर वहां मस्जिद बनने का असली सच, प्रमाणों के साथ हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। आपको बताएंगे कि उस जमीन पर क्या वाकई मंदिर था या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। इसीलिए हमारी ये रिपोर्ट इसी पर ही आधारित है। इस रिपोर्ट में हम आपको शुरुआत से इस विवाद की एक एक जानकारी देंगे, बताएंगे कि कब, कैसे, क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1528 से। 1528 में बाबर का राज था। तब बाबर के फौज के जनरल ने, जिसका नाम मीर बाकी था, अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा गया। इसके बाद 1853 में हिंदुओं ने ये आरोप लगाया कि इस भूमि पर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके बाद 1859 में ये विवाद ब्रिटिश कॉलोनियल कोर्ट में पहुंचा। अंग्रेजी सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग ही फॉर्मूला निकाला। अंग्रेजी सरकार ने ये फैसला दिया कि अंदर का हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाएगा और बाहर के हिस्से में हिंदू प्रार्थनाएं करेंगे। इसके बाद 1859 में ही तारों की एक बाढ़ खड़ी कर दी गई। मगर इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं था, लेकिन हर किसी के पास संतोष करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मगर फिर जब भारत आजाद हुआ, तब 1949 में एक बार फिर से इस विवाद ने तुल पकड़ा, जब 50 हिंदुओं ने राम की मूर्ति को मस्जिद के अंदर जाकर स्थापित कर दिया और वहां पर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। तभी से ही मुस्लिमों ने वहां पर नमाज करना बंद कर दिया था। और फिर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने इस मस्जिद को ढांचे का नाम दिया। तभी से ही इसे विवादित ढांचे के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे ढांचा इसलिए भी कहा जाने लगा क्योंकि यहां पर नमाज पढ़ना बंद हो चुका था। और फिर 1950 से लेकर 1984 तक इस विवाद को लेकर मुकदमे चलते रहे। दोनों गुटों से विरोध हुए और इस विवादित ढांचे को लेकर दोनों गुटों के बीच कानूनी जंग शुरू हो गई। इस मसले में विश्व हिंदू परिषद, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा जैसे कई निकायों ने दखल दिया। इन सब के बीच बीजेपी ने भी जून 1989 को विश्व हिंदू परिषद को अपना औपचारिक समर्थन देना शुरू कर दिया और इस आंदोलन को एक तरीके से नया जीवन दिया गया। 1989 से 1991 तक विवादित ढांचे पर इतना विवाद हुआ कि सत्ता में बैठी सरकारें तक हिल गई। बीजेपी के जाने माने नेता आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर 1992 में वो हुआ जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। 1992 में कई आंदोलनकारियों ने मिलकर मस्जिद की ईंट तक हिला दी। जी हाँ, विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया। और फिर कई विभाग बने, कई आयोगों के गठन हुए, कई मीटिंगें बिठाई गई, लेकिन इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया। इन सब के बीच अलग अलग कोर्ट अलग अलग तरीकों से अपना काम कर रही थी। इसी के चलते साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मसले को सुलझाने के लिए जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा राम मंदिर के लिए दिया गया, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, तो तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि इस फैसले से भी कोई संतुष्ट नहीं था। साल 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाने की बात कही। लेकिन अगर ये विवाद आपसी सहमति से सुलझना होता तो सालों पहले सुलझ गया होता। इस पूरे विवाद में इतने साल अगर कुछ बदला था तो वो मुख्य सवाल था। पहले मुख्य सवाल ये था कि जमीन पर मंदिर बनेगी या मस्जिद,
लेकिन इतने सालों में ये बदल कर सवाल ये हो गया कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है, हिंदुओं का या मुस्लिमों का। और अब साल 2018 में स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर से जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया है। यहाँ बता दें कि इस मामले को जिला अदालत में 40 साल से ज्यादा का समय हो गया है, हाई कोर्ट में पहुँचे 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 7 साल से ज्यादा के समय से लटका हुआ है, लेकिन अब तक इस विवाद पर कोई हल नहीं निकल पाया है। ये था विवादित ढांचे को लेकर पूरा विवाद। जैसा कि हमने कहा था, अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस विवादित ढांचे की जमीन पर क्या वाकई मस्जिद बनने से पहले राम मंदिर था या नहीं। आपको बता दें कि अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे पास सभी आवश्यक प्रमाण हैं, जो ये साबित करेंगे कि जमीन पर पहले मंदिर था या नहीं। इंतजार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का और जुड़े रहिए हमारे साथ। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।